नमस्कार, बीटी न्यूज बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं संगम रॉ। हाल ही में हुए अपने मधुबनी दौरे पर पुलरस पार्टी की अध्यक्षा पुष्पम प्रिया चौधरी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए खुलकर कहा था कि अब जनता के सामने पुलरस के अलावा और कोई विकल्प ही नहीं है। चूंकि पिछले 3 दशकों से सरकार ने संसाधनों से लेकर जनता की भावनाओं का सिर्फ दोहन किया है, बदले में बिहार को भुखमरी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, लूटपाट, बाढ़ आपदा जैसी भयानक त्रासदी ही मिली है। शिक्षा के गिरते स्तर ने प्रदेश के पौराणिक साख को धूल धूर्षित कर दिया है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की जर्जर हालत एवं इनमें शिक्षकों की कमी ने प्रदेश के होनहार छात्रों को पलायन के लिए मजबूर किया है। मामला मधुबनी के खजौली विधानसभा का एकलौता कॉलेज डीबी कॉलेज आज अपने दुर्भाग्य पर रो रहा है। विस्तृत कैंपस एवं बेहतरीन संभावनाओं के होते हुए भी आज तक सभी सरकारों ने इस कॉलेज को मनरासन छोड़ रखा है, जिससे हजारों छात्र दूसरे जिले में रुख करने को मजबूर हुए हैं। इस कॉलेज की दुर्दशा इतनी खराब है कि यहाँ सिर्फ आज के समय में फॉर्म भरा जाता है और रिजल्ट सीट लिया जाता है। इस कॉलेज के भवनों की स्थिति खंडर से भी बदतर है। मुख्य प्रधानाध्यापक नहीं है इस कॉलेज में, प्रभारी प्रधानाध्यापक इस कॉलेज को चला रहे हैं। उसी प्रकार जयनगर स्थित JDGS महिला कॉलेज की स्थिति भी कुछ खास नहीं है। हालांकि ये महिला कॉलेज कई दशकों से निजी रूप से ही चल रहा है, जिसका सरकारीकरण अति आवश्यक है, क्योंकि खजौली विधानसभा की तमाम छात्राएं हजारों की संख्या में यहाँ शिक्षा ग्रहण को आते हैं। लेकिन निजी कॉलेज होने की वजह से उनमें एक विशेष डर होता है कि यहाँ के सर्टिफिकेट का बाहर कोई मोल होगा या नहीं भी। इस निजी कॉलेज के प्रधानाचार्य कई दशकों से प्रयासरत हैं कि किसी भी तरह इस कॉलेज का सरकारीकरण हो सके, लेकिन राजनीतिक पसोपेश में कोई भी सरकार या स्थानीय जनप्रतिनिधि इस पर आज तक संज्ञान नहीं ले पाए हैं। यही हाल जयनगर प्रखंड के गर्ल्स हाई स्कूल का है, जिसमें भी हजारों की संख्या में छात्राएं नामांकन करवाते हैं, लेकिन उनको उचित सुविधाओं के साथ कक्षाएं व सुयोग शिक्षकों की नियुक्ति अभी भी नदारद है। वहीं मीडिया से बात करते हुए पुलरस पार्टी की मधुबनी जिला प्रभारी मधुबाला गिरी ने आगे कहा कि पुलरस पार्टी की अध्यक्षा पुष्पम प्रिया चौधरी ने बिहार के विकास मॉडल 2020 से 30 के तहत अपने एजेंडे में सर्वप्रथम शिक्षा और रोजगार को रखा है। बिहार के भविष्य को संवारने में यह दो मुद्दे बहुत ही कारगर साबित होंगे। इसी विश्वास के साथ पुलरस पार्टी और उसके तमाम कार्यकर्ता पूरे बिहार के कोने कोने में संभावनाओं की तलाश में लगे हुए हैं। किसी भी तरह बिहार के पौराणिक साख को वापस दिलाना ही हम बिहारियों का मुख्य एजेंडा है, जिस पर एकमात्र पुलरस पार्टी काम कर रही है। आप लोग सब पढ़ते हो यहाँ पे? और क्या सब्जेक्ट्स क्या है? पुलरस पार्टी की मधुबनी जिला कोऑर्डिनेटर हैं आप। पूरे विधानसभा में 243 सीट है बिहार में, उस पर आपकी जिन्हें घोषणा किया है कि हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उन्होंने कहा है कि महिला सशक्तिकरण, महिला को भी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें पे खड़ा करेंगे, क्या कुछ कहना है आपका इस संबंध में? प्रिया मैडम जो हमारी की पुलिस की प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने 243 सीटों पे अपने कैंडिडेट खड़ा करने का पूरा मन बना लिया है, एकदम तय कर लिया है और खड़ा कर रही हैं। और महिलाओं के लिए उनका यही कहना है कि महिलाओं को सशक्तिकरण करना है, उन्हें मतलब हर जगह पे 50% जो स्थान है वो देने की उनकी पूरी कोशिश है, और बशर्ते कि महिलाएँ भी सामने आए तो उन्हें ज़रूर मौका दिया जाए। कुछ दिन पहले बिहार के जो हमारा उत्तर बिहार है उसका मिथिलांचल का भी दौरा आप पुष्पम प्रिया चौधरी जी ने किया था, उसी क्रम में वो मधुबनी जिले के विभिन्न प्रखंडों जैसे राजनगर, रैयाम, सकड़ी, लोहट, जयनगर डीवी कॉलेज, बासोपट्टी, इन सब जगहों पे गई थी। ऐसा क्या है जो आप लोग करना चाह रहे हैं क्षेत्र में? हर जगह घूम रहे हैं, सिर्फ घूम रहे हैं या फिर कुछ कर भी रहे हैं, क्या हो रहा है? देखिए, हम लोग सब जगह घूम इसलिए रहे हैं क्योंकि हम लोग जानना चाहते हैं, हम बिहार को बहुत करीबी से जानने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये जानने की चाह रहे हैं कि बिहार जो पहले गौरवशाली रह चुका था वहाँ पे क्या क्या था और आज वर्तमान स्थिति में बिहार में क्या क्या खत्म हो चुका है, हम वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। वो हम जनता को दिखाना चाहते हैं, आईना दिखाना चाहते हैं कि आज हमारा बिहार कहाँ था,
एक गौरवशाली राज्य था और आज एक निचले स्तर पर आ चुका है। तो ये हम जनता के सामने लाना चाह रहे हैं कि इसके प्रति इसके लिए कौन जिम्मेदार है, कहाँ पर प्रॉब्लम है, कहाँ खामियाँ हैं, उस खामियों को हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं और हमें क्या करना है वो अपनी रणनीति इसी के आधार पर करनी है। लोग कह रहे हैं कि रातों रात राइजिंग सेंसेशन बनकर पुष्पा प्रिया चौधरी अपने आप को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बता रही हैं, क्या कुछ कहना है आपको? लग रहा है कि वो बिहार की मुख्यमंत्री बन सकती हैं? एकदम लग रहा है, एकदम लग रहा है, क्योंकि आज सैलाब की तरह जनता जो है वो जहाँ से भी गुजर रहे हैं आप देखिए सैलाब की तरह जनता उनके पीछे पड़ रही है। उनकी जो आइडियोलॉजी है, उनकी जो विचारधारा है, जब वो सुन रहे हैं वो लोग इतने कम समय में, आप देखिए 8 मार्च को उन्होंने महिला दिवस के दिन अपने पार्टी का स्थापना किया, लॉन्च किया, और इतने कम समय में एक राजनीतिक पार्टी पूरे बिहार में लॉकडाउन के बावजूद, इतनी परेशानियों के बावजूद, हमारा जो कोविड का जो ये महामारी का दौर था इसके बावजूद इतनी रफ्तार के साथ, इतनी तेजी के साथ लोगों ने प्रचलित हुआ है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा निशान है। और ये एकदम साबित करता है आज सभी युवा परिवर्तन चाह रहे हैं, हर महिला परिवर्तन चाह रही है, हर व्यक्ति के जहाँ पे भी जिसके भी कान में फूलर्स की यहाँ पड़ रही है, उसकी आइडियोलॉजी पड़ रही है, वो इसका समर्थन देगा। तो मुझे पूरा यकीन है पुष्पम प्रिया जी एकदम हमारे मुख्यमंत्री पद के लिए बिल्कुल सही है और एकदम बनेंगे।